हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर एसएस तांतिया मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि राजस्थान में एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग मेडिकल कॉलेज है। तो चलिए बात करते हैं एसएस तांतिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, यहाँ की एलिजिबिलिटी, कैसे एडमिशन आपका हो सकता है, अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत कम है तो भी कैसे एडमिशन हो सकता है, एंड और भी ढेर सारी बातें जैसे इनके हॉस्पिटल के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो होता है, तो वो सारी बातें भी करेंगे। यहाँ पे कितना पेशेंट फ्लो है, तो सारी इन डिटेल्ड चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। डॉक्टर एस एस तांतिया मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। अगर हम बात करें गंगानगर राजस्थान की, तो ये गंगानगर राजस्थान में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है एंड काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, इसका हॉस्पिटल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ की एफिलिएशन वगैरह के बारे में, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड है NMC के द्वारा प्रॉपरली एंड खुद की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी है। एंड इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी की मैं बात करूँ तो मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है। एंड इसके अलावा इसकी स्टेट रैंकिंग की मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान के अंदर 31 रैंक इसकी मेडिकल कॉलेजेस में है। एंड बात करूँ कोर्सेज की, तो यहाँ पे MBBS MD MS सारे ही कोर्सेज कराए जाते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ MBBS को फोकस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट से हैं कि हॉस्पिटल के बारे में कि भैया ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई, बट हॉस्पिटल का बता दो कितना पेशेंट फ्लो है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे टोटल बेड्स बता रहा हूँ, 600+ बेड्स का ये जो हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। पेशेंट फ्लो यहाँ पे आपको 1400 to 1500 अप्रोक्सीमेटली पर डे का देखने को मिलता है, जिसका फायदा ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर रोज मतलब काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, तो वो आपके लिए एक मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है हॉस्पिटल अच्छा पॉपुलर होना। तो अब ये हो गई हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ फटाफट से यहाँ की फ़ीस के बारे में, जो कि आज का मेन मुद्दा है कि भैया फ़ीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। देखो PCB में आपके 50% से वो मार्क्स होने चाहिए, वो ठीक है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है नीट का आपका क्वालिफाई रिजल्ट, एंड नीट में इनकी जितनी काउंसलिंग का इनकी कट ऑफ जाती है उसके ऊपर इनका आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही वही आ जाती है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाता, बिकॉज इतना स्कोर नहीं जाता है, इतनी आपकी नीट की रैंकिंग नहीं आई हुई होती है कि आपका आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उस केस में क्या एडमिशन प्रोसेस है वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जनरल कोटा की जो फीस रहने वाली है 4.5+1 ईयर का आपका कोर्स रहने वाला है, यहाँ पे जनरल कोटा की जो फीस रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 19 लाख एंड 26 लाख मैनेजमेंट कोटा की यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपके बजट में ये जो कॉलेज है वो आता है तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। देखो अगर आपकी नीट में थोड़ी बहुत कम रैंकिंग भी आपके आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो जो स्क्रीन पे दिया नंबर है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सकें, आपको कोई भी परेशानी ना फेस करनी पड़े और आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपने एडमिशन के लिए ना एक बार कॉल कर लें, आपको मतलब बहुत सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी और आपको आप कह सकते हैं एक नॉलेज भी मिल जाएगी कि क्या क्या चल रहा है। तो आप एक बार कॉल जरूर करें अपने एडमिशन के लिए। देन आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़ और स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है आपको कैटेगरी वाइज, मेरिट बेस्ड कैटेगरी होती है या फिर आप SC ST या फिर स्टेट डोमिसाइल हो गया, तो ढेर सारी कैटेगरीज है वो, जब आप आएंगे तो आपको ढेर सारी कैटेगरीज मिलेंगी, जिस जिसमें आप आते होंगे तो वो आपको स्कॉलरशिप सारी मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, इसीलिए मैं इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हॉस्टल देखो ये जो कॉलेज है वो नया ही बनाया, तो नए नए रूम्स हैं, बिल्कुल AC और नॉन AC दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं इसका खाना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है यहाँ का। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं बताना आपको भूल गया था कि राजस्थान ना एक क्लोज स्टेट है, मतलब पहली काउंसलिंग में पहली जो काउंसलिंग होती है राजस्थान की वो सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, उससे जो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी वो सबके लिए ओपन हो जाती है। तो ये राजस्थान का एक अलग से कुछ प्रोसेस है। अब मैं बताता हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़, लाइक जैसे कैंपस फैसिलिटीज़, कैंपस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखने में काफ़ी बढ़िया है, घूमने फिरने में भी आपको अच्छी खासी वाइब आने वाली है। देन यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी लाइक कैंटीन, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, लाइब्रेरी, ठीक है, मेडिकल की फैसिलिटी, तो ये ढेर सारी जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे भर भर के मिलने वाली है एंड कैंपस लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब आप अपने एडमिशन को मतलब इस इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं एडमिशन बुक कराने के लिए।